नमस्कार। कल तो आपने देखा होगा जम्मू और कश्मीर में कैसे आतंकी हमला हुआ। आप सोच रहे होंगे जम्मू और कश्मीर में बार बार ऐसा क्यों हो रहा है आतंकी हमला, आतंकवाद क्यों टारगेट कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर को। इसका बहुत बड़ा रहस्य है। अभी 2019 से अभी तक जम्मू और कश्मीर भारत से अलग हुआ है, क्योंकि भारतीय संविधान और भारत की सुप्रीम कोर्ट का किसी भी कानून, भी इमरजेंसी कानून हो भी जो भी कानून हो, वो जम्मू और कश्मीर को लागू नहीं होता। और अभी तक जम्मू और कश्मीर बोल रहा है वो स्वाधीन हूँ, मैं भारत का अंश नहीं हूँ। इसी का फायदा लेकर पाकिस्तान ने क्या करता है, जम्मू और कश्मीर को भड़काता है, वहाँ का युवक को, आतंकवादी संगठन को ट्रेनिंग देकर बहुत पैसा देता है। और हमेशा कभी देखो युवक जो ईंटे पत्थर फेंकते हैं पुलिस के ऊपर, जवानों के ऊपर, ऐसे बहुत होता है। आप सोच रहे होंगे पाकिस्तान के पास ऐसा ऐसे इतना पैसा कहाँ से आता है। सीधी सी बात, पाकिस्तान को अमेरिका ही पैसा देता है। इसका कारण क्या है पे सोच रहे होंगे, इसका कारण है चीन और अमेरिका कभी पड़ती नहीं, उनका हमेशा झगड़ा चलती है अमेरिका और चीन का। इसीलिए अमेरिका को पता है जम्मू और कश्मीर को भारत का अभी भी कानून चलती नहीं है, वो भी भारत भी नहीं है। इसीलिए वो क्या करता है, यहाँ पाकिस्तान को पैसा देकर यहाँ पे भड़काता है। जब यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा भड़केगा तो ऐसा भी सोच रहा था शायद अमेरिका को यहाँ पे उसका जो हवाई अड्डा और युद्ध, जब चीन से युद्ध होगा यहाँ पे रहने के लिए उसको स्थान मिल जाएगा। इसीलिए वो पाकिस्तान को पैसा दे रहा है और यहाँ पे हमेशा आतंकवादी हमला करता है। तो हम यहाँ पे सोचो, हम ही इसका कारण है क्यों। देखिए हमारी भारत में अभी जितना विदेशी कंपनी है ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका की कंपनी है, और वो ऐसा एग्रीमेंट करके आते हैं, हमारे को ऋण देते हैं, लोन देते हैं और यहाँ पे अपनी कंपनी बसाते हैं, और हमसे उनका कंपनी का जो प्रोडक्ट है हम ऐसे अभी भड़के हैं, विदेशी चीज़ खरीद खरीद कर हमारे देश को अभी तक हम खोखला बना चुके हैं, खोखला बना चुके हैं। और वो पैसा अमेरिका लेकर हमारी तरफ फेंकता है, कैसे, गोलीमारी से, आतंकवादी टारगेट से करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को बहुत पैसा देता है। इसीलिए हमारी ये बुराई आज होता है। तो आप सोच रहे हैं इसका इलाज क्या है, कैसे हम जम्मू कश्मीर को हमारी देश से मिलाने के लिए और एक ही कानून में समाहित करेंगे, इसका एक अच्छा इलाज क्या है। ना जम्मू कश्मीर को पैसा कहाँ से आता है, क्योंकि वो एक टूरिज्म सेक्टर है, उसका कानून अलग है, उसका संविधान अलग है, उसका नेशनल फ्लैग भी अलग है, सब अलग है। तो यहाँ पे एक अच्छा काम करना पड़ेगा, जम्मू और कश्मीर का एक ही रोजगार है, वो है टूरिज्म। हम आज भारतीय सभी यहाँ पे शपथ करते हैं जम्मू और कश्मीर को कभी टूर में नहीं जाएंगे, भ्रमण करने के लिए नहीं जाएंगे। तो ऐसे दो करने से 2-3 साल 4 साल 5 साल जब हो जाएगा तो जम्मू और कश्मीर के पास अर्थ अभाव हो जाएगा, उनके पास कैश रुपये का विकल्प नहीं बचेगा, तो वो तो कभी पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा, फिर से झक मारकर भारत में मिलेगा
और उसका आईन कानून सब बदल देगा। तो हम ये भारतीयों आज भारत माता की कसम लेकर बोलते, हम सब बोलेंगे, हम जम्मू और कश्मीर को कभी पर्यटन में नहीं जाएंगे, तो वहाँ का अर्थनीति एक दिन बिगड़ेगा, वो फिर से भारत में मिसेगा, और हमारी भारत में जो कानून उसका भी वही कानून होगा, हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो आईन होगा उसके लिए भी वही होगा। तो हम इसको करके दिखाएंगे, और ये है असली सच्चाई जम्मू और कश्मीर का। तो हम जब तक जम्मू कश्मीर को अर्थ का मेरुदंड से दुर्बल नहीं करेंगे, वो भारत से नहीं मिलेगा। तो ये ही है असली कारण जम्मू कश्मीर का सच्चाई, आप तो जान चुके हैं। और संकल्प कीजिए जम्मू कश्मीर को कभी भी टूरिज्म नहीं जाना है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम बहुत शेयर कीजिए, तो जम्मू कश्मीर का सच्चाई सबको पास आएगा। तो मैं यहाँ से विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नए वीडियो पे। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, वंदे मातरम।